वीडियो का लास्ट सम है आज के लिए, और थोड़ा सा अलग लगेगा आपको ये सब, बट अगर सिस्टमैटिक वे में जाओगे तो सम इजी है। सिस्टमैटिक वे मतलब जो आपके स्टेप्स है अगर इसको फॉलो करते हो प्रॉपरली और वो दिमाग में अगर आपके है तो सम इजी लगेगा। स्टार्ट करते हैं एनपीओ सम नंबर 5। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू सुषमा मेमोरियल हॉस्पिटल जलगांव, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020। साल कभी खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2020 बराबर है। जब साल 31 मार्च 2020 को खत्म हो रहा है तो चालू कब हुआ रहेगा? सर ये चालू हुआ रहेगा 1 अप्रैल 2019 को। तो आपका करंट ईयर क्या है? तो आपका करंट ईयर है 2019-20, जिसका आप हिसाब किताब करने वाले हो इस ईयर। मतलब ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी 2019-20 का है, बैलेंस शीट भी 19-20 का है, ईयर एंड का है मतलब 20 का है। बात समझा गया? यस सर। क्लियर है? बढ़ते आगे देखते क्या दिया। तो आप देखो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020 आपको दिया गया है, रिसीप्ट पेमेंट दिया है। और एडजस्टमेंट को ध्यान से देखोगे तो एडजस्टमेंट कुछ कॉलम्स बना के दिया गया, मुझे भी कुछ अलग फॉर्मेट की तरफ दिख रहा है, मुझे ये सब चीज बाद में देखना है। सबसे पहला मेरा काम होगा कैपिटल बर्न फाइंड करना। तो कहीं पे ढूंढो तो आपको जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ना उसमें ही पर्टिकुलर साइड में सेकेंड लास्ट चीज दिखेगा। अगर ध्यान से देखोगे तो आपको सेकेंड लास्ट चीज दिख रहा रहेगा, कैपिटल फंड। अपना मेन मोटिव वही है। तो देखो कैपिटल फंड कितना दिया है, 10,13,000। तो पहला काम था कैपिटल फंड फाइंड करना, वो तो मुझे मिल गया। तो मैं लिख लेता हूँ कैपिटल फंड इनर कॉलम में कितना, 10,13,000। पहला काम डन। दूसरा काम है बैलेंस शीट को कॉपी पेस्ट करना। अब वो जो बैलेंस शीट होता था वो कौन सा बैलेंस शीट होता था? ओपनिंग बैलेंस शीट। बराबर है सर? इस क्वेश्चन में नहीं दिया, मैंने कहा दिया है, लिखने का तरीका बदला हुआ है बट बैलेंस शीट दिया है। सर कैसे? तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको दो कॉलम दिख रहा है, एक है 1 अप्रैल 2019 और एक है 31 मार्च 2020। 31 मार्च वाले जितने भी अमाउंट है ना ये सब एडजस्टमेंट है। ये 31 मार्च वाले जितने भी अमाउंट दिख रहे ये सब आपका एडजस्टमेंट है, और जो 1 अप्रैल वाला दिख रहा है ये सब आपका ओपनिंग बैलेंस शीट है। मतलब अपने को अब क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। किससे? तो जो ओपनिंग वैल्यूज दिया है ना उससे। तो एक एक करके जरा बैलेंस शीट में पहला उनका पोस्टिंग करते हैं। पहला है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, पैसा मिलने का बाकी है, बाकी मतलब मिलने वाला है, एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट। तो भैया ओपनिंग में दिया है तो मैं लिख रहा हूँ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना बाकी है, 9,000। आउटर कॉलम में 9,000 लिखा, ये समझा गया। अभी मैं पूरा फोकस कर रहा हूँ सिर्फ ओपनिंग बैलेंस शीट पे। मैंने डेट दिया यहाँ पे, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट है। पहले ये बनाता हूँ, उसके बाद कॉपी पेस्ट करूंगा और फिर नॉर्मल सम कर दूंगा इसे, ठीक है? तो भाई ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गया, उसके बाद सब्सक्रिप्शन एडवांस मिल गया है, वापस लौटाना पड़ सकता है, मतलब लायबिलिटी है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना है, 8,000 रुपए। क्या बात है, उसके बाद क्या है, बिल्डिंग किधर जाएगा, अब सिर्फ बिल्डिंग दिया है, हाँ सर सिर्फ बिल्डिंग दिया है तो असेट में जाएगा बिल्डिंग कितना है, 13 लाख। उसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है 5 लाख। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, इतना ही है, कैपिटल फंड नहीं है क्या, ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखा गया नहीं, इसमें तो लिखना पड़ेगा ना, ओपनिंग डेट में दिया है, इधर वाला कैपिटल फंड इधर जाता है ना, तो ओपनिंग में जो भी दिया वो तो लिखना ही पड़ेगा। भैया कैपिटल फंड कितना, 10,13,000।
समझा यहाँ तक। इसमें और एक चीज आएगा, क्या बोलो तो देखना, आपकी रिसीप्ट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया है, वो हमेशा आपके ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है, तो वहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दिया है 12,000। किस चीज का बैलेंस है? कैश बैलेंस है, तो कैश 12,000। बात समझा गया? उसके अलावा और कुछ दिया है क्या? नहीं सर, बस इतना ही दिया है। अब जरा देखते ये टैली हो रहा है या नहीं हो रहा, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने बैलेंस शीट बना है तो टैली होना जरूरी है, बैलेंस शीट का काम ही टैली होना। जरा चेक करते हैं, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, तो 3-0 आ जाएगा। नौ और दो ग्यारह का एक और एक ऊपर बराबर है, एक और एक दो हो जाएगा, 3-2, 5 और एक 15,21,000। चलो ये बाजू देखते, 3-0, 3-0, 3-0 भैया 3-0 आ जाएगा बराबर है, 8 और 3, 11 का एक और एक ऊपर, एक और एक दो, 5 और एक 15,21,000 टैली हो गया। अब इसको कॉपी पेस्ट कर सकते, बैलेंस शीट को टैली करना जरूरी है। नॉर्मल क्वेश्चन रहता तो ऐसा ही बना के दिया रहता और फिर आप उसको कॉपी पेस्ट करते। अब क्वेश्चन में नहीं दिया था तो ये हमने बनाया, समझ में आ गया क्या? अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो ओपनिंग दिया था उसका काम तो खत्म हो गया, अब सिर्फ क्या बच गया है? क्लोजिंग, वो आपका एडजस्टमेंट है। बात समझ में आया? जब भी ऐसे टाइप का सम आएगा तो ओपनिंग जो भी दिया था उससे ओपनिंग बैलेंस शीट बना लिया मैंने, बात समझा? इसमें एक चीज मैंने ऐड किया, क्या? कैश बैलेंस। बाकी जैसा क्वेश्चन में दिया था वही सब लिखा है मैंने, इवन कैपिटल फंड भी लिखना है बराबर। इसमें सिर्फ एक नया चीज मैंने ओपनिंग बैलेंस लिखा है और इसको टैली किया, और ये टैली होना जरूरी है, ये टैली नहीं होगा तो सम भी आपका टैली नहीं होगा। समझ में आ रहा है? पक्का भैया, ये बैलेंस शीट बन गया। अब इसका काम क्या है? कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन इनर कॉलम के अंदर। तो स्टार्ट करेंगे, पहला लायबिलिटी साइड से सब्सक्रिप्शन रिसीविंग एडवांस, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस कितना? 8,000। नेक्स्ट उसके बाद बिल्डिंग फंड बराबर है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ बिल्डिंग फंड इनर कॉलम में 5,000। नेक्स्ट उसके बाद कैपिटल फंड ऑलरेडी लिख दिया है, ये खत्म। यहाँ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना? 9,000। क्या बात है। उसके बाद बिल्डिंग आपका असेट है, असेट साइड पे बिल्डिंग 13 लाख। क्या नेक्स्ट? इन्वेस्टमेंट जैसा है वैसे लिख दो, इन्वेस्टमेंट 2,00,000 इनर कॉलम में। नेक्स्ट उसके बाद कैश नहीं लिखेंगे सर, क्यों? क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है कैश का, और अपने को क्या लिखना पड़ता है? क्लोजिंग बैलेंस। हाँ या नहीं? मतलब इसका काम खत्म हो गया। अब आपका दो स्टेप खत्म हुआ, पहला तो हुआ कैपिटल फंड मिल गया, बैलेंस शीट कॉपी पेस्ट वो भी हो गया। तीसरा स्टेप है मार्किंग करेंगे रिसिप्ट और पेमेंट का। स्टार्ट करते हैं रिसिप्ट पेमेंट पे मार्किंग करने। पहला क्या है? तो पहला है बैलेंस ब्रॉट डाउन, इग्नोर मारेंगे, वेरी गुड। उसके बाद सब्सक्रिप्शन क्या है? इनकम है। एंट्रेंस फीस ब्रैकेट में रेवेन्यू दिया है, इनकम है। लाइफ मेंबरशिप फीस रेवेन्यू दिया है, इनकम है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड लाइव रिलीज है। समझ में आएगा? किसी काम के लिए मिला मतलब लाइव रिलीज है, वेरी गुड। पेमेंट साइड पे जाएंगे, फर्नीचर मेडिसिन एक्सपेंस है, ऑनोरियम फॉर द डॉक्टर एक्सपेंस है, सैलरी टू स्टाफ एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंस एक्सपेंस है, सर्जिकल इक्विपमेंट असेट है। सर्जिकल इक्विपमेंट आपका असेट है, आपका प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट सामान हमारा प्रॉपर्टी होता है। समझ में आया क्या? नेक्स्ट उसके बाद फिक्स्ड डिपॉजिट असेट है, फिक्स्ड डिपॉजिट पैसा जमा किया, इन्वेस्टमेंट किया, आपका असेट है। नेक्स्ट बैलेंस कैरी डाउन, ये भी आपका असेट है। मार्किंग समझ में आया? अब एडजस्टमेंट रीड करेंगे, एडजस्टमेंट में देखेंगे किसके किसके ऊपर एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब पहला एडजस्टमेंट किसके ऊपर है? सब्सक्रिप्शन के ऊपर। तो सब्सक्रिप्शन को मार्क करेंगे, भाई साहब आपके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो हमने सब्सक्रिप्शन को मार्क किया, उसके ऊपर एडजस्टमेंट।
नेक्स्ट है बिल्डिंग, तो यहाँ पे कहीं पे भी बिल्डिंग दिख रहा नहीं है तो भैया उसको मार्क भी करेंगे नहीं, क्यों? तो देखते हैं सर क्या कर रही है। और एडजस्टमेंट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ओपनिंग में भी 13 लाख है, क्लोजिंग में भी 13 लाख है। इन शॉर्ट बोलना क्या जा रहा है भाई, कोई एडिशन, कोई डिडक्शन, कोई डेप्रिसिएशन कुछ नहीं है। मतलब आप बिल्डिंग को इनर कॉलम से बजाय डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख सकते हो, देयर इज नो एडजस्टमेंट। ओपनिंग में भी 13 लाख था, क्लोजिंग में भी 13 लाख है, डायरेक्टली हम इसको आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। अभी नहीं लिख रहा हूँ, जब सम सॉल्व करेंगे बाद में डैश करके आउटर कॉलम में डाल। समझ में आया? बिल्डिंग के बाद क्या है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी सेम है, पहले भी 2 लाख, अभी भी 2 लाख, मतलब इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद कैपिटल फंड क्वेश्चन मार्क, बाय डिफॉल्ट उसपे क्वेश्चन मार्क रहेगा, लेकिन कैपिटल फंड को स्टार मार्क नहीं करेंगे। सर क्वेश्चन मार्क क्यों दिया है? बिकॉज ये तो आपको ओपनिंग मिला था, फिर इसके अंदर प्रॉफिट आएगा, मतलब सरप्लस आएगा तो ऐड करते हुए कुछ कैपिटलाइजेशन करोगे तो ऐड अमाउंट बदलेगा ना, इसलिए वहां पे क्लोजिंग में क्वेश्चन मार्क दिया गया। बात समझा? मतलब इसको भी मार्क नहीं करना है। फिर उसके बाद है बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड देखो वहाँ पे कहीं पे भी बिल्डिंग फंड दिख रहा है क्या? नहीं, बट उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क तो है। देखो एक एडजस्टमेंट था, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड दिख रहा है, इसलिए वो क्वेश्चन मार्क है भाई। पहले 5 लाख था, फिर कोई डोनेशन मिलेगा तो इसमें ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू बदलेगा, इसलिए वो क्वेश्चन मार्क दिया है। तो हम किसको मार्क करेंगे? डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड को मार्क करेंगे भाई साहब, के ऊपर एडजस्टमेंट है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड को मार्क करके रखो, एडजस्टमेंट। और कुछ है क्या? नहीं सर, हो गया। बात समझा? पोस्टिंग स्टार्ट करते एक एक करके, पहला बैलेंस इग्नोर मारेंगे, उसके बाद सब्सक्रिप्शन कहाँ जाएगा? तो बाय सब्सक्रिप्शन। कितना है सब्सक्रिप्शन? 1,03,000। वेरी गुड। उसके बाद क्या है? एंट्रेंस फीस। कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं सर, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो बाय एंट्रेंस फीस किधर जाएगा? इनकम साइड पे, आउटर कॉलम में कितना है? 1,700। क्लियर है? उसके बाद क्या है? लाइफ मेंबरशिप फीस। एडजस्टमेंट है क्या? नहीं सर, लाइफ मेंबरशिप फीस कितना है? 18,000। डायरेक्टली आउटर कॉलम में नो एडजस्टमेंट। उसके बाद क्या है? सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। इनकम है या आपका? सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कितना है? 500 रुपीज। क्या बात है? उसके बाद क्या है? डोनेशन फॉर बिल्डिंग, और ब्रैकेट में उसने क्लियरली बोला इट इज फॉर बिल्डिंग फंड। तो किधर जाएगा? इनकम नहीं, लायबिलिटी साइड पे ऐड करेंगे, ऐड डोनेशन। कितना? 1,50,000। टोटल हो गया 6,50,000। अब ये एडजस्टमेंट नहीं था, ये पोस्टिंग चालू है, और पोस्टिंग का एक ही इफेक्ट आने वाला है, दो इफेक्ट तो नहीं आएगा। बात समझा ना? मैं जब रिसीव पेमेंट का पोस्टिंग कर रहा हूँ, पोस्टिंग का सिर्फ एक ही इफेक्ट आने वाला है, दो इफेक्ट नहीं आएगा। बात समझा? पक्का समझा है? तो ये डोनेशन वहां नहीं लिखी, यहाँ लिखा। बात समझा? तो बिल्डिंग फंड में जो क्वेश्चन मार्क था वो भी फुलफिल हो गया। पहले 5 लाख, अभी 6.5 लाख। कैसे? 1.5 लाख डोनेशन मिला इसकी वजह से। बात समझा? मतलब आपका बिल्डिंग फंड का क्वेश्चन मार्क भी हट गया, कैपिटल फंड तो ऑटोमेटिकली हट जाएगा, मतलब दो क्वेश्चन मार्क हट गया। इन्वेस्टमेंट सेम टू सेम था, बिल्डिंग सेम टू सेम था, मतलब एडजस्टमेंट में सिर्फ सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट है और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अंडरस्टूड द सम? पक्का समझा है? देखो ऐसे टाइप के सम आते तो बच्चे ऑप्शन में छोड़ देते, रीजन ये है कि इसमें एडजस्टमेंट ही नहीं निकला, क्या बाकी नहीं है, समझ में नहीं आता। तो वे अप्रोच इंपॉर्टेंट है, आप उसको कैसे सॉल्व करते हो। मैंने सम को सिंपल वे में सॉल्व किया, पहले बैलेंस शीट बना लिया, मेन फोकस वही था, बैलेंस शीट बना के कॉपी पेस्ट कर दिया, फिर सेकेंड डेट को देखा, सेकेंड डेट में मुझे पता चला किसके किसके पर एडजस्टमेंट, उसको स्टार मार्क किया, और जिधर क्वेश्चन मार्क था उसका आंसर इनडायरेक्टली आते गया अपने को। समझ में आया? yes, समझ में आया। चलो बढ़ते आगे, उसके बाद देखते क्या है। तो पेमेंट साइड पे फर्नीचर कहाँ जाएगा? असेट साइड पे। तो भाई असेट साइड पे फर्नीचर कितना है? फर्नीचर 27,000। एडजस्टमेंट है क्या? आउटर कॉलम। उसके बाद मेडिसिन खर्चा है, खर्चे साइड पे चले जाएगा 2 मेडिसिन, 7,000। क्या बात है? नेक्स्ट उसके बाद ऑनरोरियम टू द डॉक्टर। ऑनरोरियम टू द डॉक्टर का मतलब क्या होता है? कि भाई अगर मैं मेरे हॉस्पिटल में किसी बड़े डॉक्टर को बुलाता हूँ
मेरा बड़ा हॉस्पिटल है, मेरे पास डॉक्टर की कमी है, तो उसको मैं कुछ काम के लिए बुलाया, एक सर्जरी के लिए बुला लिया, कुछ स्पेशलिस्ट के लिए बुलाया, तो बंदा मेरे से कुछ ना कुछ ऐसा रिवॉर्ड खुशी होके मैं बंदे को कुछ दे रहा हूँ, ऑनर कर रहा हूँ उसको, समझ में आ रहा है? दैट इज सेड टू बी ऑनोरियम टू द डॉक्टर, मतलब ऑनर करना, रिस्पेक्ट देना, इज्जत देना। अब इन टर्म्स ऑफ मनी भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ गिफ्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे उसने गिफ्ट दिया है या क्या दिया पता नहीं, बट खर्चा होगा ये मेरे लिए, इसलिए वो आपका एक्सपेंस है। बात समझ में आया क्या? ऑनोरियम टू द डॉक्टर इज योर एक्सपेंस, एक्सपेंस साइड पे चला जाएगा। कितना? 80,000। नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है? सैलरी टू स्टाफ, ये तो बाय डिफॉल्ट एक्सपेंस ही है, तो टू सैलरी टू स्टाफ 15,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? जनरल एक्सपेंसेस, तो टू जनरल एक्सपेंसेस 8,000। क्या बात है? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? टू सर्जिकल इक्विपमेंट्स आपका क्या है? असेट है 60,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? फिक्स डिपॉजिट असेट है, फिक्स डिपॉजिट कितना है? 80,000। नेक्स्ट उसके बाद बैलेंस कैरिड डाउन, कैश बैलेंस कितना? 5,000। इतना सबको समझ में आए? कुछ नहीं तो इतना तो कर सकते हो आपके लेवल। देखो मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूँ, मुझे नहीं आता तो इसका मतलब छोड़ना नहीं है कोई टॉपिक। मैंने किसी को भी बोला नहीं कि टॉपिक छोड़ो, मैंने सबको बोला कि भाई उसमें से कितना मार्क्स मेरे को निकालने आना चाहिए वो मालूम होना चाहिए। भाई ये टॉपिक ऐसा सम आया, नहीं सर ने कभी करवाया नहीं, मुझे आता नहीं, छोड़ दूं, नहीं। पोस्टिंग तो आपको मालूम है, इतना मेथड तो आपको मालूम है, इतना तो करके आओ एग्जामिनर, आप इतना करोगे तो भी मार्क्स तो देगा ही, क्योंकि चीजों जहाँ पे होना चाहिए वहां पे आपने लिखा है। ऑनोरियम खर्चा है, खर्चे में लिखा है, सैलरी खर्चा है, खर्चे में लिखा है, फर्नीचर असेट है, असेट में लिखा है, इक्विपमेंट असेट असेट में लिखा है, तो उसका मार्क्स तो मिलेगा। समझना है? सम को छोड़ दोगे तो कुछ मतलब नहीं, इसलिए हर टॉपिक में जितना पोस्टिंग करके मार्क्स सिक्योर कर सकते हो उतना करो, जितना सिक्योर कर सकते हो उतना करो। क्लियर? अटेम्प्ट कब करना है पूरा कम्प्लीटली? जब अपने कॉन्फिडेंस आ गया, प्रैक्टिस कर लिया। अब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा और फिर टैली होने का प्रोसेस चालू हो जाएगा, लेकिन पहले आपको कंप्लीट करने आना चाहिए कि भाई इसका पोस्टिंग कैसा है, मेथड क्या है, स्टेप्स क्या है, ये वायर्ड हो जाना चाहिए। क्लियर है? हमने 20 दिन के अंदर पूरा किया कम्प्लीट, पर 20 डेज में अपना पूरा कम्प्लीट होने वाला है, बट वो कम्प्लीट हुआ है। अब पढ़ना आपके हाथ में है कि 20 दिन का पढ़ाई को तुम कितना आगे लेके जाते हो, वो तुम्हारे पर। हर टॉपिक के ऊपर मेहनत तुमको करना है, फाइनल अकाउंट में तुमको मेहनत करना है, एडमिशन में तुमको मेहनत करना है, डेथ में तुमको मेहनत करना है, एनपीओ में, बिल ऑफ एक्सचेंज में, इश्यू ऑफ शेयर में, आपको मेहनत करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अच्छे से मेहनत करोगे तो अच्छा मार्क्स आएगा, ओके ओके मेहनत करोगे ओके ओके मार्क्स आएगा। क्लियर? स्टार्ट करते अब एडजस्टमेंट की तरफ जाते, पोस्टिंग हो गया, एडजस्टमेंट में सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है, वो है सब्सक्रिप्शन। बात समझ में आ रहा है? जरा देखते हैं ये सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट कैसा सॉल्व होगा। यहाँ पे मुझे सब्सक्रिप्शन दिख रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सब्सक्रिप्शन 1,03,000। ये मेरा सब्सक्रिप्शन, इसका मतलब पहले समझ, मुझे इस साल में करंट ईयर में 1,03,000 रुपया सब्सक्रिप्शन मिला, बराबर है, इनकम हुआ। अब ये जो इनकम है क्या पूरा इस साल का है? सर कुछ बोला नहीं है, मतलब हो सकता है पिछला कुछ बाकी रहेगा वो मिला रहेगा, हो सकता है पिछले साल किसी ने एडवांस देकर रखा है वो भी इसमें हो सकता है, हाँ या नहीं? हो सकता है या नहीं? हाँ सर हो सकता है। सर आपने ऐसा कॉन्फिडेंटली क्यों बोला? मैं बोलूंगा बिकॉज मुझे मेरे ओपनिंग बैलेंस शीट में 2 सब्सक्रिप्शन दिख रहा था, एक आउटस्टैंडिंग और एक रिसीव्ड इन एडवांस, जो कि मेरे इधर मैंने कॉपी पेस्ट किया है। इसका मतलब है कि इस साल जो भी मुझे पैसा मिला है, हो सकता है पिछले साल का जो बाकी था वो मिल गया होगा, और पिछले साल जिसने एडवांस दिया रहेगा वो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो ये साल नहीं पिछले साल का इनकम है। अरे बराबर है क्या? yes, तो बेसिक याद रखो कि भाई अगर करंट ईयर है तो आउटस्टैंडिंग एड और प्रीपेड लेस होता है, ये तो हमको मालूम है। ये तो मालूम है ना? आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, ये आपको मालूम है। यस सर। बट अगर ये चीज प्रीवियस ईयर का हो जाएगा
अगर यही चीज प्रीवियस ईयर को आएगा तो उल्टा कर दे देगा। आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड एक्ट, इफेक्ट बदल देगा पहले। बस समझ में आया क्या बोला मैंने? समझ में आया? करंट ईयर का है तो अपने वाले में पैसा बाकी है, मिलने वाला है, ऐड करेंगे। एडवांस मिल गया है भाई, प्रीपेड है, माइनस करेंगे। करंट ईयर का हिसाब सीधा है, लेकिन प्रीवियस ईयर का है, पुराने साल का है, तो इफेक्ट को बदल दो। आउटस्टैंडिंग ऐड हो रहा था, इधर लेस करो। इधर प्रीपेड माइनस हो रहा था, इधर ऐड करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग भी है और प्रीपेड भी है या नहीं? तो भाई आउटस्टैंडिंग है तो क्या करो? माइनस करो। प्रीवियस ईयर का है ना, लेस पेड ऑफ 9000। पर ये तो एडजस्टमेंट है, रीएडजस्टमेंट है। टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। एसेट बोले तो डेबिट साइड, डेबिट साइड पे माइनस किया, डेबिट साइड पे माइनस किया, क्रेडिट पे दूसरा इफेक्ट देने का है। डेबिट भैया माइनस करो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना, क्रेडिट साइड पे माइनस किया तो कौन सा इफेक्ट? डेबिट। डेबिट साइड पे माइनस किया तो कौन सा इफेक्ट? क्रेडिट। अरे बात समझा सर? अब सर आपने माइनस क्यों किया हमको समझ में नहीं आ रहा। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे रोशनी ने 1,00,000 रुपया दिया, बराबर है? रोशनी जब 1,00,000 रुपया दिया, बोला सर 1,00,000 रुपया दे रही हूँ, पिछले टाइम का 20,000 बाकी था, एडजस्ट करो। तो अपने इसमें से 20,000 निकालना पड़ेगा, क्यों? ये पिछले साल का बाकी है। मतलब मुझे जो 1,00,000 रुपया ये साल मिला है वो 1,00,000 ये साल का इनकम है क्या? नहीं, मुझे ये साल 1,03,000 सब्सक्रिप्शन का मिला है, लेकिन ये पूरा मेरा ये साल का इनकम है? नहीं, इसमें पिछले साल का 9,000 रुपया बाकी था। उसने बोला रहेगा ना भाई 9,000 एडजस्ट करो, तो भाई हमने क्या किया, 9,000 निकाल दिया। बात समझा सर? समझ में आया सर? पक्का समझा? इसलिए हमने क्या किया, उसमें से 9,000 निकाला, हमारे इनकम में से 9,000 रुपया निकाल दिया। क्यों निकाला? क्योंकि वो 9,000 पिछले टाइम का बाकी था, उसने ये साल पैसे में एडजस्ट करने बोला, मैंने एडजस्ट कर दिया। फिर से एक बार, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार, मुझे ये साल में रिसीप्ट हुआ है। देखो आपको रिसीप्ट, पेमेंट में रिसीप्ट दिख रहा है, सब्सक्रिप्शन का रिसीव हुआ है 1,03,000 रुपए। सबको दिख रहा है? 1,03,000 रिसीप्ट हुआ है, रिसीप्ट का मतलब पैसा आया है, तो ये बिजनेस को 1,03,000 रुपया आया। आपका पिछले साल का कुछ पैसा बाकी था, 9,000 रुपया मिलने का बाकी था, वो ये साल मिला है आपको। अच्छा ऐसा हुआ है, तो भैया निकाल दो इसमें से 9,000, क्यों? क्योंकि पिछले साल का पैसा है, तो भाई इधर से निकाल दिया और ये पेड ऑफ हो गया, तो इसको भी नील कर दिया मैंने जो मेरा बाकी था। अभी समझा? समझा भैया? निकाल दिया। अभी प्रीपेड का मैंने क्या बताया, आउटस्टैंडिंग है तो माइनस, प्रीपेड है तो ऐड। अब पिछले साल हुआ क्या, एक बंदे ने मुझे 2,000 रुपए एडवांस दे दिया। क्या बोला था? नेक्स्ट ईयर जब पैसा मांगने आओगे 5,000 रुपए, 2,000 अभी दे देता हूँ, 3,000 अगले महीने में दे दूंगा, अगले साल में दे दूंगा, बराबर है? तो मुझे ये साल तो 1,03,000 रुपए मिला था, आया नहीं, तो मुझे ये साल 1,03,000 मिला था, जिसमें 9,000 पिछले साल का मैंने निकाल दिया। अब मेरे पास जो भी है पैसा वो बच गया है, बराबर है? अब जो पैसा बचा है ना, इसके अंदर पिछले साल का पैसा है जो मुझे किसी ने एडवांस दे के रखा था 8,000 रुपए, तो ये साल के लिए देके रखा था ना, तो भैया इधर से निकाल दो। लेस पेड ऑफ या तो रिटर्न ऑफ कितना, 8,000। अरे बात समझा? यस सर। हाँ, इधर से निकाल दो और इधर ऐड कर दो। क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे माइनस किया, क्रेडिट साइड पे माइनस किया, डेबिट इफेक्ट, क्रेडिट साइड पे माइनस किया, डेबिट इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, क्रेडिट साइड पे ऐड किया क्रेडिट। बात समझ में आई? ये 8,000 कभी का है, पिछले साल ही बंदे ने मुझे ये साल का पैसा दिया, तो भैया ऐड रिसीव्ड इन एडवांस कितना? ये मैंने अभी तक सिर्फ ये दो अमाउंट सॉल्व किया है। बात समझा है क्या? सबको समझा है? पिछले साल मुझे किसी ने एडवांस दिया था, क्या बोला था भाई आने वाले साल का है, तो भाई मैंने उसको ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख के रखा था, तो भैया इधर से निकालो, ये साल का इनकम है तो ये साल की इनकम में ऐड कर दो।
बात समझा? Yes, तो ये दोनों एडजस्टमेंट क्लियर हो गए. मैंने ओपनिंग एडजस्टमेंट सॉल्व कर दिया, क्लियर हुआ? Yes, पक्का? अब क्लोजिंग है. Yes. देखो क्लोजिंग में भी दो अमाउंट है. ये बहुत सिंपल क्लोजिंग हो रहा. ऑप्शनिंग ऐड प्रीपेड लेस, ऑप्शनिंग ऐड प्रीपेड लेस, ऑप्शनिंग ऐड प्रीपेड लेस. भैया ऑप्शनिंग कितना है बोलो जरा. एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये साल का कितना है देखो वहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितना दिख रहा है 10,000. तो भैया 10,000 ऐड किया. बात समझा क्या? फाया नहीं. एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट देने, क्रेडिट साइड पे ऐड किया क्रेडिट इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, पैसा मिलने का बाकी है. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000 रुपए. अंडरस्टूड? यस सर. अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस भी दिया है. देखो सब्सक्रिप्शन एडवांस कितना है 6,000 माइनस है नहीं. रिसीव्ड इन ऑन द प्रीपेड, ऑप्शन इन ऐड प्रीपेड लेस, सो लेस प्रीपेड मतलब रिसीव्ड इन एडवांस कितना एडवांस 6,000 और रिसीव्ड एडवांस आपका क्या है लायबिलिटी. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 6,000 रुपए. अरे समझा? देखो मैंने एक एक करके सॉल्व किया. पहले ओपनिंग खत्म किया फिर क्लोजिंग. ओपनिंग के लिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर डिफिकल्ट लगा तो ओपनिंग के लिए याद रखने का ये, क्लोजिंग का ये. ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है तो माइनस, इधर से भी माइनस किया उसमें से भी माइनस किया. प्रीपेड है तो ऐड, तो मैं प्रीपेड ऐड किया और इसमें से निकाल दिया. बात समझा? पक्का समझा? समझा या नहीं? खत्म हो गया एडजस्टमेंट. अब क्लोजिंग करने का, एक एक करके अमाउंट क्लोज करेंगे. सरप्लस आया ऐड, डेफिसिट आया माइनस और टैली कर देंगे. जो करेक्शन वो करता बाद में वापस सॉल्व करता. एक क्वेश्चन के अंदर एक बेसिक क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है कि जो सब्सक्रिप्शन दिया है 1,03,000 का, ये आपका 1,03,00,000 है. बाकी एडजस्टमेंट जैसा सॉल्व किया वैसे ही रहने वाला. समझा? चलो अब एक साइड का क्लोजिंग देखते हैं कौन सा साइड का टोटल ज्यादा है. 20, 20, 20, 20 तो 20 आ जाएगा. 3 और 7, 10 और 5, 15, 15 का 5 और 1 ऊपर. यस सर. 3 और 1, 6, 4, 4 और 1, 5, 5 और 8, 13, 13 का 3 और 1 ऊपर. 1 और 1, 2, 1 और 1, 2 दो आ जाएगा और 1,23,500. क्लियर है? माइनस करेंगे 20, 20, 20, 20 तो 20 आ जाएगा. क्लियर? 0, 0, 0, 0 में 5 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा. क्लियर? फिर 7, 7 और 5, 12, 12 और 8, 20, 20 में 3 ऐड करेंगे तो 23 आएगा. 23 का 3 दो ऊपर, 8 और 2, 10, 11, 11 में 1 ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा. 13,500 आ जाएगा. समझ में आएगा? तो यहाँ से आ जाएंगे 13,500 टू सरप्लस. क्लियर है? समझा? एड सरप्लस 13,500, 0, 0, 5, 6, 2, 0, 1, 1,26,500 टोटल करते देखते कितना है इसका टोटल. 20, 20, 20 तो 20 आ जाएगा. 5 आ जाएगा. 6 + 6, 12 हो जाएगा. 12 और 1 आ जाएगा. बराबर है? 2 और 1, 3, 3 और 5, 8 हो जाएगा. 8, 6 और 1, 1,68,000 सॉरी 16,82,500. ये बाजू का टोटल 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 तो 20 आ जाएगा. 0, 0, 0, 0, 0, 5 हो जाएगा. फिर 0, 0, 0, 7, 7 और 5, 12 हो जाएगा. 12 का 2 और 1 ऊपर. 1 और 1, 1 और 2, 3, 3 और 6, 9, 9 और 8, 16, 17, 17 और 1, 18, 18 का 8 और 1 ऊपर. 3 और 1, 4, 4 और 2, 6 हो जाएगा और 1 होगा. तो 1,16,82,000. बात समझ में आया?